शेख हसीना की दुश्मन नंबर वन चीन और पाकिस्तान की हमदर्द। 2018 से सलाखों के पीछे रही खालिदा जिया अपने घर आ गई है। रिहाई के बाद खालिदा जिया लंबे इलाज के बाद घर लौटी हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट और बवाल और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया अपने घर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष की बांग्लादेश की राजनीति में क्या भूमिका है, क्या उन्हें अंतरिम सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या खालिदा जिया फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथी शासन होगा, क्योंकि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी में कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हैं और उन्हें पाकिस्तान और चीन के प्रति झुकाव के लिए जाना जाता है। खालिदा जिया भी हिंदुस्तान से ज्यादा चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव रखती है। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। खालिदा जिया पीएम रहते केवल दो बार भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। पहला दौरा 26 से 28 मई 1992 में और दूसरा दौरा 20 से 22 मार्च 2006 के बीच किया। अपने दोनों कार्यकाल में वो चार बार पाकिस्तान गई। खालिदा जिया ने दो बार चीन का भी दौरा किया। आप समझ सकते हैं कि अगर बांग्लादेश में फिर से खालिदा जिया को कमान मिलती है तो वहां क्या स्थिति होगी, क्योंकि खालिदा को उस पाकिस्तान से प्यार है जिसने करोड़ों बांग्लादेशियों की जिंदगी नर्क बना दी थी। उन्हीं पाकिस्तानियों से लड़कर बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था। खालिदा जिया जिस बीएनपी पार्टी की अध्यक्ष हैं, उसका इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि बीएनपी का भारत के प्रति रवैया ठीक नहीं रहा है। बीएनपी सरकार में जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी तो बांग्लादेश आतंकियों का गढ़ बन गया था। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी कट्टरपंथ की ओर झुकाव रखने वाली पार्टी है। यही वजह है कि बांग्लादेश के बनने के साथ ही भारत का झुकाव अवामी लीग की ओर था, जिसकी नेता शेख हसीना है, जो सेक्युलर डेमोक्रेसी में भरोसा रखती है। एक वजह यह भी है कि खालिदा जिया की पार्टी भारत से दूरी बनाए रख सकती है। शेख हसीना की कट्टर विरोधी माने जाने वाली 78 वर्षीय खालिदा जिया वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं। उनके पति 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 30 मई 1981 को तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के बाद खालिदा जिया 2 जनवरी 1982 को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी में शामिल हो गई। खालिदा जिया का पासपोर्ट बहाल कर दिया गया, उनके बैंक खातों को भी अनफ्रीज कर दिया गया और जब से यूनिस सरकार बनी वहां आतंकियों को छोड़ा जा रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी और मौलाना हिंदुओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हिंदू मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ ही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी का भी अहम योगदान रहा है। ऐसे में अगर वो फिर से बांग्लादेश की सत्ता में आती है तो बांग्लादेश कट्टरपंथ के साथ ही फिर से आतंक का अड्डा बन जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का आतंक से पुराना रिश्ता रहा है। बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन एक प्रमुख आतंकवादी संगठन रहा है। भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकियों की जमात और बीएनपी इनकी मदद करते हैं। बांग्लादेश में इन आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित ठिकाना मिलता है। ये पूर्वोत्तर से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सक्रिय रहे हैं। भारत में हुए आतंकी हमलों में शामिल कई आतंकियों का बांग्लादेश कनेक्शन मिला। साल 2018 में बोधगया ब्लास्ट मामले में पकड़ा गया आतंकी बांग्लादेशी था। पीएफआई का संबंध बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से रहा है। बोधगया ब्लास्ट मामले में बांग्लादेशी जाहिदुन इस्लाम उर्फ कौसर को दोषी पाया गया था। दुनिया के मैप पर बांग्लादेश को देखेंगे तो ये देश पूरी तरह से भारत की गोद में बैठा है। ये तीन दिशाओं उत्तर पश्चिम और पूरब में भारत से घिरा है, लेकिन मौजूदा बांग्लादेश के हुक्मरान पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठे हुए हैं। इस वक्त बांग्लादेश में भले ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया हो, लेकिन वहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हर वक्त बना रहता है। यूनुस कब तक रहेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। आगामी चुनाव के लिए तैयारियों की दिशा में भी कोई निश्चितता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। जी न्यूज़।